नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट। आप हमारे साथ चैनल नंबर 10 पर हैं और हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि हम मैथ्स के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक लेकर आए हैं, ये सत्र हम लेकर आए हैं और जिसमें हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पार्ट वन पर बात करेंगे। और हमारे जितने भी दर्शक और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लीनियर इक्वेशंस को पहले भी यूज़ कर चुके हैं, आपको पता है, लेकिन आज हम जानेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कि किस तरह से उसे टू वेरिएबल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको इस विषय पर डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगी हमारी विशेषज्ञ जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चलिए आप सभी का परिचय करवाते हैं। आप हैं मिस सविता ग्राहक। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार रेणु भट्ट जी। और अपने सभी देखने वालों को बता दें कि मैम कोऑर्डिनेटर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से। और जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आ रही हो इस टॉपिक से जुड़ी हुई, तो अगर आप इस चैप्टर में कहीं पर अटक गए हैं, कहीं पर आपका कोई सम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी सभी क्वेरीज हम तक पहुँचा सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559। हम एक्सपेक्ट करते हैं आपका पार्टिसिपेशन और आपका फीडबैक, तो आप ईमेल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं यानी कि NCERTPME विद्या पर हैं, तो आप क्लास नंबर 10 पर हमारे साथ हैं और आप लाइव चैट बॉक्स में जाके अपना कॉमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वेरीज़ के साथ, अपनी शंकाओं के साथ आप हमसे हमारे लाइव इस इंटरेक्शन में जुड़ें और अपने सभी क्वेरीज़ का हल हमारे विशेषज्ञ से पाएं। तो मैम, बिना किसी देरी के सविता मैम हम आपके पास आएंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट है, तो क्या कुछ आपके पास है कॉन्टेंट हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए मैम? जी रेणु जी, बिल्कुल। एज यू ऑलरेडी हैव टोल्ड कि लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमारे बच्चे पहले से भी पढ़ चुके हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इक्वेशन से पहले भी अगर हम बात करें, सो वी विल टॉक अबाउट एक्सप्रेशंस। ऑलराइट, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं। लाइक आई एम टेलिंग दैट देयर इज सम अमाउंट ऑफ मनी इन माय हैंड। कितने पैसे हैं ये मैं अपने व्यूअर्स को नहीं बता रही, अपने स्टूडेंट्स को नहीं बता रही, बट ये बोल दिया कि कुछ रुपीज हैं। So let us suppose that I do have x rupees in my hand. और उसके बाद एक relationship की help से मैं ऐसा बताती हूँ कि मेरे किसी student के पास जितना भी amount मेरे पास था उसके thrice से 5 rupees ज्यादा है। So हम relationship develop कर पा रहे हैं कि उस student के पास फिर कितना amount है। He has thrice of the amount I have and उससे 5 rupees ज्यादा। That means that child is having rupees 3x plus 5. All right? So this is known as an expression. जब हम एक वेरिएबल की हेल्प से किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंडीशन गिवन टू अस। लेकिन इक्वेशन कब बन जाएगी? इसके बाद, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरे पास कितने पैसे हैं, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये बोल देती हूं कि वो जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट के पास टोटल लेट अस से ही इज हैविंग 23 rupees। सो अगर उसके पास 23 rupees है, दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन अभी हमने डेवलप किया था 3x plus 5, दिस विल बी इक्वल्स टू 23। ऑलराइट, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है इक्वेशन। लेट अस सी द अल्फाबेट्स हियर, ई क्यू यू ए एंड देन एल मींस एन एक्सप्रेशन वेयर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग गिवन टू अस। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी वैल्यू के इक्वल गिवन है या फिर किसी दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल गिवन है, दैट मींस दैट बिकम्स एन इक्वेशन। अब अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। इट इज 3x = 23 - 5, दैट मीन्स 3x = 18, विच इज गिविंग अस x = 6। यानी इस एक्सप्रेशन की वजह से, और जब हमें इक्वेशन में उसको चेंज कर देते हैं तो उसकी वजह से आई कम टू नो कि हाउ मच मनी डू आई हैव इन माय हैंड। ठीक है, इसी तरह से मैं बहुत सी इक्वेशंस लिख सकती हूँ। आई एम राइटिंग 3x³ - 5x + 7 = 0। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन बिकॉज द साइन ऑफ इक्वालिटी इज देयर बिटवीन टू एक्सप्रेशंस। देन लीनियर इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन द फर्स्ट फोर अल्फाबेट ऑफ द फर्स्ट वर्ड हेयर इज लाइन। दैट मीन्स एक ऐसी इक्वेशन जिसे अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हमें लाइन दिखाई दे, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमारे व्यूअर्स ने लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना नहीं सीखा है, बट राइट नाउ दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सेम कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, क्लास 8th में हमारे बच्चे पढ़ चुके हैं अबाउट लीनियर इक्वेशन। एनी इक्वेशन रिटन लाइक दिस दैट ax plus b equals to 0 where the coefficient of x is not equals to 0. That means ax plus b is equal to 0 but the coefficient of x is any constant value other than 0. That can be any real number but not equals to 0. So this is a linear equation. लीनियर इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, साथ ही साथ वन वेरिएबल, सिंस द एग्जाम्पल विच आई जस्ट हैव गिवन, ये एग्जाम्पल बिल्कुल एक ऐसे ही लीनियर इक्वेशन का है विच इज देयर इन वन वेरिएबल, लेकिन हम ये समझ जाएं कि लीनियर इक्वेशन मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर लाइन फ्रेम होती है। वेरिएबल वेरी प्लस एबल, दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो वेरी कर सकती है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि मेरे हाथ में कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, कितने हैं नहीं बताया, तो हमारे व्यूअर्स अपने आप से आइडिया अंदाजा लगा सकते हैं। दे कैन से मैम यू डू हैव रुपीज 15 इन योर हैंड, यू डू हैव रुपीज 100, रुपीज 200 इन योर हैंड, तो कोई भी आइडिया, दैट मीन्स दैट इज अ वेरिएबल। वो वेरी कर रहे हैं, वेरियस आंसर्स तब तक आ रहे हैं जब तक एग्जैक्ट वैल्यू के लिए कोई भी सोर्स हमारे पास नहीं है। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की अगर बात करते हैं, लेट अस सी एन एग्जांपल। इट इज 3x plus 5 equals to 0. आई कैन ऑल्सो राइट अनदर एग्जांपल, लेट इट बी अंडर रूट 2x plus 3.6 equals to 0. बोथ ऑफ दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। नाउ लेट अस डिस्कस द सेम लीनियर इक्वेशन बट इन टू वेरिएबल्स। एक चीज और हमारे व्यूअर्स बहुत ही ध्यान से फोकस करेंगे, वो क्या है, दैट द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज वन इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई एम राइटिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स जीरो। अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई, एंड इट must also be given to us that a is not equals to 0 and b is not equals to 0. Both of these are non-zero values. Such type of equation is known as linear equation in two variables. All right, let us proceed ahead. अगर हम कोई example की help से linear equation लिखना चाहते हैं, what that is, let me say 3x minus y plus 7 equals to 0. This is the linear equation. And since there are two variables named as x and y, therefore this is linear equation in two variables. Now let us proceed ahead. Pair of linear equations. Pair. This is the topic जिसके बारे में हमारे viewers बिल्कुल class 10th में from the very beginning पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। यानी एक ही question में हमारे पास दो equations अगर होंगी, then that will be known as pair of equations. And since दोनों ही equations में अगर हम ध्यान से observe करते हैं, the power of x is 1 and the power of y is 1, that means this is a linear equation in two variables. Another equation is there named as a2x plus b2y plus c2 equals to 0. So these are two linear equations. Let us name them as equation number 1 and equation number 2. Dear viewers, जब तक हम बात करते हैं linear equation in two variables की, so एक ही equation के कितने solution होते हैं, it can have infinitely many solution. यानी अगर आप x की value 1 put करते हैं, तो आप देखेंगे कि y के लिए आपके पास क्या answer आ रहा है. Let us see it with the help of an example. I am able to get that y is equal to 10. If I am putting x is equal to 2, then I am able to get that y is equal to 13. Means x variable के लिए अलग value अगर आप put कर रहे हैं, तो y variable की भी एक अलग value हमारे सामने आ रही है. That means linear equation in two variables has infinitely many solutions. लेकिन जब बात करते हैं pair of linear equations की, तो वहाँ पर case थोड़ा सा अलग हो जाता है. देखते हैं कि क्या होता है. Let us discuss this.
Let me try. This is our x-axis and another is our y-axis. हम दो एक्सिस यहाँ पर फ्रेम कर रहे हैं और इन दोनों ही एक्सिस में x-axis and y-axis. This is our Cartesian plane. If I am drawing two lines, like this is the first line, let me say the name of this line is line L1. Name of the other line is line L2. तो हम देख सकते हैं कि दोनों lines L1 and L2 जिस point पर intersect कर रहे हैं, that is a single point. This is known as the unique solution. इस point को हमारे viewers बहुत ध्यान से समझें कि अकेले line L1 के बहुत सारे solutions हैं. अकेले लाइन L2 के भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन अगर उन दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस की बात करेंगे, उसे आप बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द पेयर, यानी जिस सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों ही ट्रू हो जाते हैं, दैट विल बी नॉन एज द यूनिक सॉल्यूशन इन दिस केस. हम एक और केस ऑब्जर्व करते हैं. आई एम ड्रॉइंग द कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. हमारे व्यूअर्स को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन की नॉलेज पहले से है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं सब नॉलेज है. अभी हम सीख रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं इन द कार्टेशियन प्लेन. इफ आई एम ड्रॉइंग अ लाइन, लेट द नेम ऑफ दिस लाइन इज L3 एंड अनदर लाइन. इफ वी ऑब्जर्व बोथ ऑफ दीज लाइन्स, वी कैन सी दैट L3 लाइन इज पैरेलल टू द लाइन L4. So, अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि आप उनको कितना भी इनफाइनाइटली बोथ साइड से इंक्रीज करते हैं, आपके सामने हमेशा ये रहेगा कि वो कभी भी कहीं पर जाकर भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी. अगर मीट नहीं कर रही, दैट मीन्स दिस सिस्टम इज हैविंग नो सॉल्यूशन. फिर से एक बार समझ लीजिए, दैट लाइन L3 इज हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. Line L4 is also having infinitely many solution, but since both of these have no common solution, yani is system ke paas, system of pair equations ke paas, koi bhi solution nahi hai. Aur teesra ek case hum discuss karte hain, what that is? That is ki agar in dono hi equations ko graphically represent karne par, आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस आ जाते हैं. लेट अस ड्रॉ दीज टू कोइंसिडेंट लाइंस. दिस इज द फर्स्ट लाइन नेम्ड एज द लाइन L5 एंड अनदर लाइन ऑन द वेरी सेम लाइन एंड द नेम ऑफ दैट लाइन इज L6. यानी इस केस में क्या हो रहा है कि ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं. और अगर दो लाइंस हमारे पास कोइंसिडेंट हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, यानी कि उनका ईच एंड एवरी पॉइंट जो है, दैट इज द कॉमन सॉल्यूशन फॉर बोथ ऑफ द लाइंस. और इस केस में हमारे व्यूअर्स बोलेंगे कि इन दोनों लाइंस के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. एंड व्हाट दिस इज कि ग्राफिकली हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे. आपके सामने है टू इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन. इन बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस टेबल की हेल्प से हम ग्राफ पर दोनों इक्वेशंस को प्रेजेंट करेंगे. वी कैन सी दिस इज द एक्स एक्सिस एंड हियर इट इज वाई एक्सिस. सो इफ वी पुट एक्स इज इक्वल टू 1, वी आर एबल टू गेट दैट वाई इज इक्वल टू 2. अगर आप एक्स की वैल्यू को आई पुट एक्स इज इक्वल टू 0 हियर. So if we put x is equal to 0, it is clear cut visible in the first equation that 2y equals to 4, which is giving us that y is equal to 2. Agar aap x ki value ko put karte hain 4, in that case we are able to get y is equal to 0. Dear viewers, aapne class 9th mein bhi padha hai ki agar aap koi bhi do points ko join karte hain, to by joining two points a single line is available. सिंगल पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइटली मेनी लाइंस होती हैं. बहुत सारी लाइंस पास कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से, लेकिन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन एक ही होती है. तो इफ आई एम एबल टू फाइंड दीज टू पॉइंट्स, इट विल बी क्वाइट इजी फॉर अस कि हम इस लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट दिस इज अ सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप एक थर्ड पॉइंट भी जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा. मैम उससे क्या होगा, अगर
Here, let me tell you that we have only 4 more minutes left for this session, ma'am. All right, जी रेनू जी. So, हमारे व्यूअर्स आज इन 4 मिनट्स में जानेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को किस तरह से वो ग्राफ पर प्रेजेंट कर सकते हैं. और डेफिनेटली फॉर नोन नो सॉल्यूशन दैट मींस पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस को हम अपने नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करें. जी श्योर. सो आई हैव 1 + 2y - 4 = 0 विच इज प्रोवाइडिंग मी द वैल्यू ऑफ y टू बी 1.5. तो जैसा कि मैं बता रही थी डियर व्यूअर्स कि आप 3 पॉइंट जरूर कैलकुलेट कर लें. इससे क्या बेनिफिट होगा, समटाइम्स वाइल कैलकुलेशन चांसेस हैं कि 1 पॉइंट कैलकुलेट करने में आपकी मिस्टेक हो जाए, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स आपने कैलकुलेट किए एंड लाइक आई एम ड्रॉइंग दिस हियर एक्स टू बी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सो आई कैन ऑब्जर्व क्लियरली कि इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए मेरे पास 0, 2, सो दिस पॉइंट विल बी डेफिनेटली ऑन वाई एक्सेस, देन 4, 0, दिस पॉइंट विल बी देयर ऑन एक्स एक्सेस, एंड देन 1 and 1.5, दिस पॉइंट इज एग्जिस्टिंग हियर वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 1.5. सो इन पॉइंट्स को ज्वाइन अगर हम करते हैं सो वी आर एबल टू गेट अ स्ट्रेट लाइन. All right. बिल्कुल इसी तरह से लेट अस ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन अगेन. दिस इज द स्ट्रेट लाइन आवर व्यूअर्स आर एबल टू गेट. सो लेट अस प्रोसीड अहेड एंड वी आर ड्रॉइंग दिस सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही हम सॉल्यूशंस कैलकुलेट करेंगे. इफ यू आर पुटिंग एक्स टू बी 0, अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो वी आर एबल टू गेट y इक्वल्स -5. y इज इक्वल टू 0 इज प्रोवाइडिंग अस दैट x इक्वल्स टू 5.3 और इसे आप 1.66 लिख सकते हैं. एंड आप बिल्कुल इसी तरह से थर्ड पॉइंट भी कैलकुलेट करें. आई एम प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स हियर ऑन द ग्राफ -1, -2, -3, -4 and -5. सिमिलरली on the negative direction of x-axis, we will put the points accordingly. So 0, -5. This point will be existing on y-axis and the other point is 1.66 and 0. The point is existing here. So let us draw the line by joining both of these points as well. Yes. This is the particular line which is passing through both of the yes. So हमने किया क्या है, जब आपने दोनों ही lines draw की, हम देख सकते हैं first line is represented by the first line given here और second equation को आपने represent किया है by the second line. इन दोनों equations को अगर हम observe करते हैं they are intersecting just and only at one point और वो 1 पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 विच इज प्रोवाइडिंग अस दैट दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन फॉर बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस. डियर व्यूअर्स यू विल हैव टू फॉलो कि आपको लाइंस में एरोज बोथ साइड जरूर मार्क करने हैं और जो भी इक्वेशन आपने पहले रिप्रेजेंट की है इट इज सजेस्टेड कि आप उसकी इक्वेशन उसके साथ जरूर लिखें एंड अलॉन्ग विद द सेकेंड लाइन यू विल हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ द सेम. इस तरह से वी आर एबल टू गेट द यूनिक सॉल्यूशन बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू 1. ठीक इसी तरह से वी शुड स्टडी अबाउट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन इन आवर नेक्स्ट सेशन. श्योर मैम, श्योर. थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. आई एम क्वाइट श्योर हमारे सभी व्यूवर्स जितने भी हमारे साथ रहे उन्हें काफ़ी हद तक ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा. जो भी बातें आपने समझाई उन्हें समझ में आया होगा. थैंक यू सो वेरी मच मैम सविता मैम हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू मैम.
और अपने सभी व्यूवर्स से हम कहना चाहेंगे कि 10th के मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए हम ये टॉपिक लाए थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पार्ट फर्स्ट। डेफिनेटली इसके दूसरे पार्ट्स को भी हम आप तक पहुंचाएंगे, उसमें काफ़ी और बातें और नई नई बातें हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे जो कि 10th स्टैंडर्ड के सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक है सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उस पर आप ज़रूर अपना ज्ञान बढ़ाएं, हमारे साथ बने रहें। जाते जाते हम आपके साथ एक बात ज़रूर साझा करना चाहेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव अपने आखिरी चरण में है और आप इस महापर्व का हिस्सा बन सकते हैं अपने मतदान के द्वारा, अपना वोट कास्ट करके। तो अपना वोट आप ज़रूर दें, आपका वोट कीमती है, तो उसकी महत्ता को समझिए। अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दें अनुमति। नमस्कार।